बढ़ते हैं और अभी आपको बताएं कि ईद उल फितर के दूसरे रोज होटल और रेस्टोरेंट्स बंद पड़े हैं, जिसके बाईस खवातीन को खानों का घरों पर ही एहतमाम करना पड़ रहा है। कराची से देखिए सफदरबास की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से एहतियात, होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद, ईद पर खवातीन को घरों पर ही एहतमाम करना पड़ रहा है। खवातीन ने मुश्किल से बचने के लिए पहले ही जरूरी अशिया मंगवा ली थी, अब दिल लगाकर मेहमानों की तवाज़ो का इंतजाम जारी है। लॉकडाउन लगा हुआ है, घर में दावत आएगी तो घर में खाना बनाना है मुझे, फिर मैं कढ़ाई चढ़ाने जा रही हूँ, बिरयानी के लिए मसाला वगैरह रेडी किया, यहाँ मैं सिवैया वगैरह बना चुकी हूँ, घर से बनाएंगे थोड़ा और अच्छा भी लगेगा, और इस तरह से लोगों को मौका मिलता है कि आप अपने अपनों के लिए कुछ कर सकें। खवातीन का कहना है कि बाहर का खाना महंगा होता है, जबकि सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने के बाइस जहां घरों में खवातीन का काम बढ़ गया है, वहीं इनके घर वाले बाहर का खाना खाने से भी बच गए हैं। कैमरामैन मंसूर खान के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़ कराची।